Perdón. सलाम बीबी सेन। वालेकुम सलाम, कहाँ से आए हो? बीबी सेन, अकेले में? अकेले में? नहीं नहीं, ये मेरे बुजुर्ग हैं, इनके सामने कहो। माफी चाहता हूँ बीबी सेन, साईं ने सख्ती से मना किया है। साईं ने? गुलखान प्लीज आप जरा। कहो क्या बात है? डॉक्टर साहब हमारे सही के पास है। साहब सही ने यह खत दिया है। सॉरी, मैं आपको रोक नहीं सकती बीबी सेन, कोई जवाब? वो मैं दे दूंगी। ठीक है। ड्रामे का ये हिस्सा लीवर ब्रदर्स पाकिस्तान के ताउन से पेश किया जा रहा। आपके ख्याल में वकार को क्यों गिरफ्तार किया गया? सर ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अंदर में शोर के वो बेकसूर है। ये बताएं कि आपके हस्बैंड को किस जुर्म में सजा हुई? सर वो एक बहुत ज्यादा इमोशनल आदमी है, वो जिस नजरिए के लिए काम करता रहा, कुर्बानी देता रहा, उसके एकदम खत्म हो जाने पे वो कुछ पागल सा हो गया। उसने इस मुल्क के टुकड़े टुकड़े होने को कबूल नहीं किया था। फिर क्या किया उसने? क्या किया? वो पागलों की तरह सड़कों पे आके शाउट करने लगा, फिर उसे पकड़ लिया। वो ये कहता था कि ये एक साजिश है, मेरा नजरिया इतना कमजोर नहीं हो सकता। क्या आप उसे हक पे समझती हैं? सर मेरे ख्याल से अपने नजरिए से मोहब्बत करने का हर एक को हक तो होना चाहिए। क्या वकार भी किसी खास नजरिए का आदमी है? नहीं, मैं ऐसा नहीं समझती। तो फिर वो क्यों मुसलसल आपसे मिलता रहा? सर वकार एक पढ़ा लिखा और आर्ट से मोहब्बत करने वाला शख्स है, वो इस मुल्क पे रिसर्च कर रहा है और मैं उसकी गाइड थी। क्या बस यही ताल्लुक था? तो सर मैं आपको इतना बता दूं कि हमारे दरमियान सियासत या नजरियात का कोई ताल्लुक नहीं था। थैंक यू शहजाद, थैंक यू फॉर कमिंग। अगर जरूरत हुई तो फिर आपको दोबारा मिलाएंगे। तुम्हें डाक आई है? और ये एक किर्गिस्तान से भी आई है। पढ़ोगे ना? मैं पढ़ लूंगा, कोई काम कर रहा, तुम जाओ यहां से। तुम कहां हो? जितनी जल्दी हो सके फैक्स करो, मारिया बहुत उदास है। और हां एक खुशखबरी भी है, तुम्हारी बेटी पैदा हुई है।
और सुनाओ, कब आ रहे हो? पापा बताते क्यों नहीं, वकार से क्यों ना मिलो? देखो बेटा, तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम सब कुछ भूलकर अपने टुकड़े के साथ रिहर्सल करो। भैया अगले महीने तुम्हें इस्लामाबाद जाना है, वहां दादू से मिलना है, दादा से मिलना है, फुफ्फु से मिलना है। पापा बात मत बदले, तुम्हें बकार से क्या दिलचस्पी है बताओ मुझे। बस बहुत अच्छा लगता है। तुम भी उसे अच्छी लगती होगी? मैं नहीं जानती। देखो बेटा, सेब को अंदर से कीड़ा लगता है, बाहर से नहीं। उसकी सुर्खी और चमक में मत जाओ। अच्छा बाबा, मैं तुमसे ज्यादा बहस नहीं कर सकता, तुम जाओ जाकर अपने टुकड़े के साथ रिहर्सल करो, मुझे कोई काम करने दो। मिला था, हाजिर हो गए। अब तो हम बाहर किधर जा रहे हैं? वो रियाज कुछ बोले कि नहीं? खैर वो कुछ बोले या न बोले, उस घर से मिलने वाला दुपट्टा तो बोल रहा है। ये बताओ कि शाब और गुले का को पता चल? फोन नंबर ही मिल गया है, अब हमारा मसला आसान हो जाएगा। इंस्पेक्टर, जिसने गुले और शाब को मेहमान रखा था, उस रियाज का आलू कचालू बना दो। आलू कचालू क्या खान, मैं तो उसका भुर्ता बनाऊंगा। वो जो टेलीफोन का नंबर मिले, वो किसका क्या पता है? उधर सिंध में कोई मीरन शाह है, पता भी मिल जाएगा। अगर कहो तो उधर की पुलिस से बात करूं। तुम क्या बात करेगा, तुम्हारा को और लंबा कर देगा। तो फिर अब कर्जा क्या है? तुम्हारा काम खत्म हो गया इंस्पेक्टर, अब हम अपना बाज खुद उठाएगा। देखो समंदर खान, केस रजिस्टर हुआ है, हमें कार्रवाई कर लीजिए। अगर गुले और शाह उधर हुआ तो हम उस रियाज को इधर लाकर बांध देगा पहाड़ों में, इधर बहुत बाज रहते हैं, बाकी काम वो खुद करेगा। ड्रामे का यह हिस्सा एम्बेसी का एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर हूं, मुझे बताओ क्या बात है। सर आप पाकिस्तान में मेरे डिपार्टमेंट से पता कर लें कि मैं कौन हूं और किस लिए आया हूं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। तो सर फिर इन्हें बताएं कि मैं इनका दोस्त हूं, मैं मुसलमान हूं और इनकी रियासत को दिलों जान से चाहता हूं। मैं सिर्फ अपने और इनके दरमियान मुश्तरक रिश्ते तलाश करने आया हूं। सर आप मेरे सारे रिसर्च वर्क उठा के देख लें, इन्हें गलतफहमी हुई है। मैं एशिया की रूह को अपनी रूह के अंदर घोलना चाहता हूं। अगर आप डिप्लोमेट है ना, तो मैं भी मोहब्बत का सफीर हूं, मुझसे क्या बरामद हो सकता है? समरकंद और बुखारा की मिट्टी जो मुझे दिलो जान से अराजीज है सर, मेरी आंखों की रोशनी है। ताशकंद के आस्थानों का माजी, समरकंद और बुखारा पे के पत्थरों पर लिखे हुए रूह, और क्या हो सकता है सर? सर आप इन्हें बताएं कि ये हमारे भाई हैं। मैंने जो इनकी कल्चरल हेरिटेज पे काम किया, इन्होंने खुद भी नहीं किया है। इन्हें क्या मालूम कि इनकी हेरिटेज कितनी रिच है? एवरीथिंग विल बी फाइन, डोंट वरी। आओ। यस सर। शहजाद कैसी है? बीबी जी धोबी कपड़े ले गया और कह रहा था कि ये कागज छोटे खान साहब की पेंट में था।
ठीक है तुम जाओ। किसके लिए चेक लिख रहे हो? एक दोस्त ने कर्ज मांगा है। कर्गिस्तान के दोस्त ने? वैसे भी अब तो तुम्हें हर महीने बाकायदगी से पैसे भेजने चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि अब तो तुम्हारा ये कानूनी अखलाकी फरीजा है। मारिया की बात कर रही हो ना? जब मैंने उसे तलाक दे दी है तो अब ये किस्सा खत्म होना चाहिए, समझी ना? मैं भी यही चाहती हूँ कि किस्सा खत्म हो जाए, मगर तुम ऐसा नहीं चाहते क्योंकि तुमने दिल से ऐसा नहीं किया। अब भी तुम्हारे दिल में बहुत कुछ है और जो कुछ तुम्हारे दिल में हर बात सब जानती हो। तुम कहना क्या चाहती हो ये मुझे बताओ। मैं कहना नहीं दिखाना चाहती हूँ। अच्छा हुआ तुम्हें पता चल गया। और पता नहीं क्या क्या कुछ पता चलना बाकी है। मेरा मारिया से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन उस बच्ची से मेरा ताल्लुक है। ओके, ऑलराइट। फाइनली क्या सोचा तुमने? मेरी बच्ची इधर ही रहेगी। फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। किधर है तुम जानती हो? वो किधर है? मेरी बेटी कैसी है मुझे सिर्फ इतना बता दो कि वो और ठीक तो है ना? देखो मैंने तुम्हें समझाया था ना कि उसकी शादी समंदर खान से मत करो। हमारे को माफी दे दो, हम मेरी बच्ची को कहीं से ला दो। मेरी बच्ची कैसी है मुझे बता दो। मेरे दफ्तर तुम्हारे लिए ये कागज दे गया। कागज? हाँ। क्या है इसमें? किसने भेजा? अल्लाह ने बहुत बुरा किया। क्या क्या किया अल्लाह ने? क्या किया? उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बड़ा रिक्वेस्ट निकला। हुआ क्या है? क्या हुआ मरिया? ये तुम खुद ही पढ़ लो। ये क्या है? तुम पढ़ के सुना दो ना। मरिया, ये तुम्हारा तलाकनामा है।